अस्सलामुअलैकुम। कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत। और बेशक हर शख्स ने मौत का मज़ा चखना है और फिर हमारी तरफ ही लौट के आना है। कल मेरी वालदा मोहतरमा फौत हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। कल उनका जनाजा था और मैं लाहौर से मियांवाली आ गया और इस वक्त मैं मियांवाली में हूँ। और मेरी वालदा की अक्सर तस्वीर मैं अपने वीडियो पे शेयर करता रहता हूँ। और मेरी वालदा अल्लाह के फजल से माशाल्लाह 106 साल में ये फौत हुई है, 106 साल की हो के। और बड़ी उन्होंने माशाल्लाह लंबी उम्र अता की है। हर वालदा अजीम होती है, हर वालदा अजीम होती है, हर वालदा अजीम होती है, चाहे वो इंसानों की वालदा हो, परिंदे चिरिंदे जानवर, सब वालदा है। वालदा जो है सबसे अजीम चीज़ है। वो उनको सबका दुख होता है, जितनी भी उम्र हो, जितनी भी हो। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी वालदा के लिए आपसे मगफरत की इस्तदा करूं कि आप उनके लिए दुआ करें और बिस्मिल्लाह पढ़ें और कुल हुवल्लाह पढ़ें और सूरत फातिहा और जो जनाजे की दुआ है वो पढ़ दें। ये इस वीडियो का मकसद ये है। माशाल्लाह मेरी वालदा साहबा जो है वो 106वें साल में ये फौत हुई। 105 साल है, मई में उनको 106 साल हो जाने थे। और उनका ये है कि जब वो 60 साल की हुई ना तो वो मसल्ले पे बैठ गई। बिल्कुल फिज़िकली हम काफ़ी बहन भाई थे तो उनकी खिदमत के लिए बहुत सारे लोग थे, तो वो बाकायदा तौर पे मुसल्ले पे बैठ गई और उन्होंने बाकी सारे काम छोड़ दिए और 5 वक्त की नमाज और तस्बीहात, ये उनका मामूल था पिछले 45 साल से। आप देखें अल्लाह ताला की ये कि अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मौका दिया। और यकीन करें जिस वक़्त वो फौत हुई हैं उनके हाथ पे ऐसे तस्बी ऐसे ऐसे वो तस्बी वगैरह करती थी और उनके हाथ पे वो तस्बी लपेटी हुई थी। और देखने वाले ये बता रहे हैं कि इतना नूरानी चेहरा था कि जैसे कोई उनके ऊपर लाइट, ऐसे येलो लाइट पड़ रही हो, इतनी खूबसूरती थी उनके चेहरे में। 106 साल की यानी मेरी वालदा के चेहरे पे इतनी खूबसूरती थी। और उन्होंने बिल्कुल वो जो है जैसे आम मशहूर है ना कि बंदा जो 40 साल इबादत में गुजारे, तो उन्होंने 45 साल सिर्फ और सिर्फ इबादत में गुजारे, यानी कि और कोई दुनिया का काम नहीं किया उन्होंने। और उनका मखसूस एक मुसल्ला था, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मखसूस मुसल्ले में ये इनका मखसूस मुसल्ला था, तो जिसके ऊपर वो उन्होंने 45 साल गुजार दिए, उसके ऊपर उन्होंने 45 साल गुजार दिए। तो आपसे मेरी यही दुआ है कि आप उनके लिए दुआ करें। मैं इंशाल्लाह जो मेरे दोस्त हैं लाहौर हाई कोर्ट में वकला सारे, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इधर मियांवाली आने की तकलीफ़ ना करें। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में जब लाहौर आ जाऊंगा तो वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मैंने अपनी वालदा के लिए जो है वो इसाले सवाब के लिए प्रोग्राम करूँगा। और जो दोस्त इस वक्त टेलीफोन कर, टेलीफोन की बजाय मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि तमाम दोस्त जो है मेरे ना वो उनके लिए सूरत फातिहा और जो जनाजे की दुआ है ना वो पढ़ लें। तो वो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा बहुत मुअद्दबाना कि वो मेरी वालदा के लिए दुआ करें। मेरी वालदा का नाम था ग़ुलाम फातिमा, वैसे घर में उनको मलकानी मलकानी कहते थे लेकिन उनका नाम था ग़ुलाम फातिमा, फातिमा की ग़ुलाम। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा मैं वीडियो में और ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन उनके लिए ये है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन करे। और जो हमारे दोस्त हैं जिनकी वालदाएं वालदेन जिंदा हैं उनकी अल्लाह ताला लंबी उम्र करे, और जिनके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं
उनकी अल्लाह ताला मगफरत करे और दर्जे बुलंद करे, उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। वालदैन बहुत अजीम होते हैं, यकीन करो जो जिन्होंने हमें पाला होता है ना, जब हमारी उम्र में एहसास होता है कि वाकई ये कितना मुश्किल काम है, तो मैं तमाम दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि मेरी वालदा के लिए वो दुआ करें, ग़ुलाम फातिमा नाम लेके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।